हम चाहेंगे कि सेंट्रल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम अर्चना शर्मा मैडम भी आज इस अवसर पर दो शब्द बोले। मंच पर अभी सभी लोगों ने संबोधन किया पार्टी को लेकर। मैं टीचर होने के नाते मैं आप सबको पार्टी से संबोधित नहीं करूंगी। मेरे लिए आप सभी भाई लोग हो, गर्व करने लायक हैं सभी लोग। तो मंच पर बैठे सभी भाई लोग, मैडम, प्यारे बच्चे, इधर मेरी छात्र हैं और मनोज, सभी लोगों को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और मुझे आज पता चला कि मनोज इतना अच्छा काम करता है, मेरे पास शब्द नहीं है क्या बोलूं। इसने जो कदम उठाया है, विश्वास कीजिए नेता लोग नहीं उठा सकते थे। जो मनोज ने उठाया कि टैलेंट के आधार पर स्कॉलरशिप, मेरा बस चलेगा तो मैं भी भविष्य में ऐसे करूँगी। मनोज के लिए बहुत जोरदार तालियां। टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टैलेंट ही अच्छा नेता बनाएगा, टैलेंट ही अच्छा एस बनाएगा, टैलेंट ही अच्छा आईपीएस बनाएगा। और अगर सभी ईमानदार होंगे तो हमारा देश फिर पिछड़ा नहीं रहेगा। मुझे पिछड़ा शब्द सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और पिछड़ा कोई भी नहीं है। मैं टीचर होने के नाते बता रही हूँ, बच्चों में बहुत टैलेंट है। आजकल के बच्चे मल्टीमीडिया वाले हैं, उन्हें आरक्षण आरक्षण की जरूरत नहीं है, बस आप सही समय पर सही मार्गदर्शन दीजिए तो उनमें से टैलेंट उभर कर आएगा। और आप उनको प्रोत्साहित कीजिए, कई बार बेचारे गरीब बच्चे सिर्फ पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लोन मिल जाता है, वो भी बेकार कड़वा सच्ची लोन नहीं मिलता, गली गली भटकने के बाद भी लोन नहीं मिलता। और आप हंसेंगे, मैं अपनी बिटिया के लिए लोन लेने गई तो बैंक वालों का स्टेटमेंट था, आप लोगों को लोन देंगे क्या, आपके तो बहुत पैसा है, तो एकदम गलत स्टेटमेंट था। लोन बच्चों के लिए होता है, पेरेंट्स की पर्सनैलिटी नहीं देखी जाती है, स्टूडेंट का टैलेंट देखा जाता है। तो सभी लोग इसमें भी बच्चों का सहयोग करें कि अगर बच्चा मेडिकल में जा रहा है या IIT में जा रहा है तो बैंक की तरफ से उसे उसकी क्वालिफिकेशन देख के लोन मिलना चाहिए। तो मनोज ने जो काम किया उसके लिए शब्द नहीं है, एक बार फिर ताली। बहुत अच्छा लगा सभी भाइयों को मिलकर, आप सब लोग पे पावर भी है, करने का मौका भी है। तो आप एजुकेशन के लिए विशेष तौर पे सभी लोग ध्यान रखा करिए, सभी जनरल वाले बैठे हैं ज़्यादातर, इसलिए और थोड़ी मुझे आशा लग रही है कि आप लोग मौके का फ़ायदा, जब भी आप पे पावर आए तो विशेष करके टैलेंट को जरूर आप लोग बढ़ावा दें। अपने विदिशा में टैलेंट की कमी नहीं है,